मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का टॉप 10 क्वेश्चन हर रोज़ रात 9 बजे लेके आता हूँ। आप लोग बस मेरे साथ 20 मिनट हर रोज़ रात 9 बजे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका इन एग्ज़ाम से रीजनिंग का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, 16 भागा 4 = 74, 21 भागा 7 = 33, 81 भागा 9 = 99, तो 55 भागा 5 = क्या होगा। ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए, आप लोग पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। 6 और 1 = 7, इन दोनों को जोड़ के पहले लिखिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके पहले लिखिए 6 और 1 = 7, ठीक है। उसके बाद देखिए, 16 भागा 4 है, 16 को आप 4 से भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 4। बाद वाला देखिए, यहीं से 4 हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले आप लोग इसको जोड़िए, 6 और 1 = 7, इसको जोड़ के पहले लिखा रहा है, फिर 16 भागा 4 कितना होगा, 16 को आप लोग 4 से भागा दीजिएगा तो होगा 4, बाद में 4 यहाँ से लिखा रहा है। इसमें देखिए, पहले आप लोग इसको जोड़ लीजिए, 2 + 1 = 3, इसको पहले वाला को लिखा जाता है। फिर देखिए, 21 में आप लोग 7 से भागा दीजिए कितना होगा, 3, बाद में भागा करके 3 लिखा रहा है। उसी तरह से यहाँ देखिए, 8 और 1 को जोड़िएगा तो 9 होगा, तो पहला वाला इसको जोड़ करके लिखाता है। 81 में आप लोग 9 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा, 9 होगा, ये बाद वाला हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप लोग पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, 10, पहले 10 लिखाएगा। उसके बाद 55 और 5 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 + 55 = 11, हम लोग आंसर कितना हो जाएगा, 10 = 11, डी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व को क्या कहेगा। SSC MTS 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग का जिधर मन करे आप लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मान सकते हैं, ठीक है। खाली क्लॉक वाइज में NESW आप लोग याद रखिए, ठीक है, क्लॉक वाइज में NESW याद रखिए, ठीक। देखिए, आपका जिधर मन करे उधर पूरा मान लीजिए, हम लोग इधर पूरा मान लेते हैं, ठीक है। पूरब के उल्टा में क्या आएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक। NESW क्लॉक वाइज में याद रखना है, तो N हो जाएगा यहाँ NESW, हमेशा याद रखिए क्लॉक वाइज में NESW, यहाँ हो जाएगा NES, तब हो जाएगा W, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहा है, दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर किधर है, इधर है, उत्तर को क्या बोल रहा है, पश्चिम बोल रहा है, यहाँ मान लीजिए उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे, देखिए पहले हम आपको बोले थे NESW क्लॉक वाइज में याद रखिएगा, वो यदि इसको वेस्ट बोल रहा है, ठीक है, तो क्या होता है NESW क्लॉक वाइज में, तो पहले क्या होगा N, तब होगा E, तब होगा S, तब होगा W, ठीक है। देखिए, साउथ वेस्ट को लोग साउथ वेस्ट बोला, ठीक है, साउथ ईस्ट को साउथ ईस्ट बोला, आप क्या बोल रहा है, तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, उसका पहले वाला का उत्तर पूर्व को ना, ये उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे हम लोग, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम बोलेंगे, पहले का था यही उत्तर पूर्व को क्या बोलेंगे, पहले वाला उत्तर पूर्व कौन सा था, ये बोला, और अभी क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये अभी कौन बोलेगा, उत्तर पूर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। SSC CPO 2017 में पूछा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें नहीं है, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें नहीं है, आइए हम लोग चेक करते हैं। PLSS पास है तो ई आंसर नहीं होगा, पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। MOSS ई भी है, ई नहीं होगा आंसर। PLSS ION पैसन भी है इसमें।
COMPLY, देखिए इसमें L और Y कहीं भी नहीं है। और यही हम लोग से पूछ रहा था, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें नहीं है। तो देखिए LY इसमें कहीं नहीं है, तो D नंबर आंसर हो जाएगा, LY इसमें नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर ठंडा, तो चार को ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा इसी के जैसा है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए रेफ्रिजरेटर ठंडा, तो देखना टेलीविज़न, बैठना कुर्सी, फ़ोन बात करना, सुनना रेडियो। तो देखिए कौन सा ज़्यादा करीब लग रहा है इसके। देखिए रेफ्रिजरेटर का काम है ठंडा करना, उसी तरह से फ़ोन का काम है बात करना। इसके ज़्यादा कर सबसे ज़्यादा करीब यही ऑप्शन है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है DART इतना बन रहा है तो स्पिन क्या बनेगा, UP 3SC 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप डी से -6 कीजिए, एक्स होगा एक्स, वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है, फिर ए से +6 कीजिए, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, फिर आप आर से -6 कीजिए, एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, फिर टी से आप +6 कीजिए, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या हो रहा है, पहले एक बार -6, फिर एक बार +6, फिर एक बार -6, फिर एक बार +6, उसी तरह से यहाँ पे पहले होगा -6, तो एस में आप लोग -6 कीजिए, कितना हो जाएगा, एम देखते एम एन ओ पी क्यू आर एस एम हो जाएगा, ठीक है, उसी तरह से पी में आप लोग +6 कीजिए, पी में +6 कीजिएगा, क्यू आर एस टी यू भी एम भी, ठीक है, फिर आई में -6 कीजिएगा, ठीक है, आई में -6 कीजिएगा, आई में -6 कीजिएगा, तो क्या होगा, सी डी ई एफ जी एच आई, सी हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से एन में आप लोग +6 कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी, क्या हो जाएगा आंसर, एम बी सी टी, एम बी सी टी, डी नंबर आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आर वाई का बेटा है, वाई के की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, जेड आर से क्या संबंध है, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आर वाई का बेटा है, आर जो है वाई का बेटा है, ठीक है, आर जो है वाई का बेटा है, वाई के की पत्नी है, वाई जो है के की पत्नी है, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये मेल है तो प्लस, ये फीमेल है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है, वाई के की पत्नी है, ठीक है, के जेड का इकलौता पुत्र है, के जो है वो जेड का इकलौता पुत्र है, के जो है जेड का इकलौता पुत्र है, ठीक है, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। अच्छा, इससे ये पता चल गया कि जेड का पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, मान लीजिए कोई होगा जेड का पत्नी, उसका कुछ साल पहले निधन हो गया था, इस बात से ये पता चलता है कि फीमेल थी, ईमेल है, ठीक है, मेल प्लस फीमेल माइनस, इसका पता नहीं है। आगे बता, जेड आर में क्या संबंध है, आर जो है जेड को क्या बोलेगा, देखिए आर जो है जेड को क्या बोलेगा, देखिए ये बेटा है, ठीक है, इसका ये मम्मी है, ये पापा है, इसका आर का ये मम्मी है, ये पापा, ठीक है, आर के पापा, आर का के क्या है, पापा, पापा के पापा कौन होते हैं, आर के पापा है ये के, और के पिता है जेड, तो पिता के पिता कौन हो गए, हो जाएंगे दादा, आर जेड को क्या बोलेगा, दादा बोलेगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन देखिए 36 है, 12 है, 30 है, 35 है, 14 है, 4 है, 42 है, तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, MTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप इन दोनों को, इनको इनको, इसका निकालना है तो इन दोनों को, इसका निकालना है तो इन दोनों को माइनस कीजिए, 30 में आप 12 माइनस कीजिए कितना होगा, 18 को आप 2 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, इसको निकालने के लिए आप इन दोनों को, इसके सामने वाला को, इन दोनों को माइनस कीजिए,
तीस में बारह घटाइएगा कितना होगा, अट्ठारह, अट्ठारह को दो से गुना कीजिएगा कितना होगा, छत्तीस। ठीक है, उसी तरह से इसको, इसको निकालने के लिए इन दोनों को, इसको निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कीजिए, चौदह में से बारह घटाइएगा कितना होगा आप, दो, और दो को दो से गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा, चार, ये निकल जाएगा। उसी तरह से इसको देखिए, आप इसके सामने वाला है इन दोनों, इसके सामने वाला ये दोनों, इसको निकालने के ये दोनों को देखिए, ये दोनों को माइनस कीजिए, पैंतीस में चौदह घटाइए कितना होगा, चौदह छः बीस, अब पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस, इसको निकालने के देखिए, इन दोनों को माइनस कीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिए कितना होगा, इक्कीस, इक्कीस को आप दो से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, बयालीस, ये निकल जाएगा। उसी तरह से हम लोग को इसका निकालना है, तो इसका सामने वाला है ये दोनों, ये दोनों को माइनस कर दीजिए आप, पैंतीस में तीस घटाइए कितना होगा, पाँच, पाँच में दो से गुना कीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, दस, डी नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का। आठवां नंबर क्वेश्चन है, एक पंक्ति में सत्रह लड़कियां हैं, वह लड़की जो मध्य में है उसका स्थान प्रारंभ से नौवां है, वह लड़की जो मध्य में है उसका स्थान अंत से क्या होगा। एमपी पुलिस से सही 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एक पंक्ति में सत्रह लड़कियां, ठीक है, एक पंक्ति में सत्रह लड़कियां हैं, वह लड़की जो मध्य में है उसका स्थान प्रारंभ से नौवां है, वह लड़की जो मध्य में है, माने कि मध्य में ही लड़की है, ठीक है, इसका स्थान प्रारंभ से, इसका जो स्थान है वो प्रारंभ से नौवां है, मतलब उससे पहले आठ लड़की है तब ना उसका स्थान नौवां होगा, आठ लड़की है उसका स्थान प्रारंभ से नौवां है, ठीक है। पंक्ति में कितना लड़कियां था, सत्रह लड़की था, देखिए आठ एक नौ, नौ लड़की हो गया, अब कितना लड़की बच गया, सत्रह लड़की टोटल, तो नौ और आठ कितना होता है, नौ आठ सत्रह होता है, ठीक है। एक पंक्ति में सत्रह लड़कियाँ हैं, मध्य में जो लड़की है उसका स्थान प्रारंभ से नौवां है, तो आठ को इधर है तब ना प्रारंभ से इसका नौवां होगा, ठीक है, और सत्रह को लड़की है तो आठ को इधर है, एगो बीच में है, नौ हो गया, अब नौ को जब लड़की हो गया तो इधर कितना लड़की होगा, जो सत्रह होगा, नौ और आठ सत्रह हो जाएगा। तो बोल रहा है उसका स्थान अंत से क्या होगा, इसका जो स्थान है वो अंत से क्या होगा, देखिए अंत से क्या होगा, आठ लड़की इधर है, ठीक है, आई अंत से क्या है, आठ लड़की इधर है, अंत से नौवां हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, ए नौवां नंबर, अंत से नौवां होगा। देखिए नाइन नंबर क्वेश्चन है, यदि एक जनवरी 2006 को रविवार था तो एक जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा। एलपी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए क्या हो रहा है इसमें, बोल रहा है एक जनवरी 2006 को रविवार था तो एक जनवरी 2007 को क्या होगा। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहे, डेट सेम रहे, एक जनवरी एक जनवरी, या ईयर आगे रहे, ऐसा सवाल जब भी रहे तो आप क्या कीजिएगा, देखिए हम बताते हैं आपको। आप लोग इसको पहले देख लीजिए कि लीप ईयर है कि नहीं है, लीप ईयर देखने के लिए हम लोग चार से भागा देते हैं, चार से भागा हो गया तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है, ये चार से भागा नहीं लगेगा तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। यदि देखिए डेट सेम रहे एक जनवरी एक जनवरी और ईयर बढ़ रहा हो, तो देखिए यदि लीप ईयर नहीं है तो इसमें आप यदि एक ईयर बढ़िएगा, फिर से सुनिए, यदि लीप ईयर नहीं है और आप अगले साल में जो जाइएगा और लीप ईयर नहीं है तो एक दिन जुड़ जाता है, एक दिन प्लस हो जाता है, यदि यहाँ रविवार रहा होगा तो यहाँ सोमवार हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए, पहले आप लोग यदि डेट सेम रहे, दोनों जगह डेट सेम रहे और ईयर बढ़ रहा हो, तो देखिए आप क्या कीजिए, पहले इसको चेक कीजिए कि लीप ईयर है या नहीं, 2006 लीप ईयर नहीं है, ठीक है, लीप ईयर नहीं रहे और अगला साल में जाइएगा और डेट सेम रहेगा तो एक दिन इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। और यदि लीप ईयर रहता, ठीक है, और आप अगला साल में जाते तारीख सेम रहता तो वहाँ उस कंडीशन में लीप ईयर रहता तो दो दिन जुड़ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लीप ईयर नहीं है, इससे एक साल बढ़ रहा है और तारीख सेम है तो कितना हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा डायरेक्ट। देखिए यहाँ रविवार है तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक दिन बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर, सोमवार। देखिए दसवां नंबर क्वेश्चन, यदि एल का अर्थ जोड़ना, एम का अर्थ गुना, एन का अर्थ घटाना और पी का अर्थ विभाजित करना है तो इतना का मान क्या होगा। NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए इतना दिया हुआ, देखिए पी का अर्थ क्या बोला है, पी का अर्थ विभाजित करना, ठीक है, यहाँ पी का अर्थ विभाजित करना मतलब भागा, ठीक है। L का अर्थ जोड़ना, L की जगह में जोड़ना, M का अर्थ गुना करना और N का अर्थ घटाना, ठीक है, तो इतना बराबर क्या होगा। देखिए पहले बोर्ड वास से हम लोग जानते हैं, ब्रैकेट फिर ऑफ और फिर डिवाइड, तो ब्रैकेट भी नहीं है यहाँ, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, तो आप लोग देखिए 30 भागा 2 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3
गुना छः और माइनस फाइव बचा, ठीक है। देखिए तो उसके बाद बोर्ड मास में क्या था, गुना छतिया अठारह, तो पंद्रह प्लस अठारह माइनस फाइव कितना हो जाएगा, पंद्रह में पाँच गया दस, और दस प्लस अठारह कितना हो जाएगा अट्ठाईस, बी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इसी तरह से आप डेली मेरे साथ 20 मिनट रोज़ रात में 9 बजे जुड़कर 10 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, आपका रीजनिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।